हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली गाइस यहां पर MIUI 12 का अपडेट 12.0.5.0 और यहां पर 12.0.2.0 का रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है, जो कि यार काफ़ी बड़ी बात है। मतलब कि यार ये जो अपडेट है भाई, ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं, रात के टाइम रोल आउट किए जा रहे हैं भाई सारे अपडेट। अब आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से कि रात को ही अपडेट दे रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों, बट जो भी है भाई अपडेट मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब क्या है कि आपको पता होगा चाइना में हॉलीडेज चल रहे थे, हॉलीडेज ख़त्म हो गए, चाइना बीटा रोम्स के जो अपडेट थे वो भी आने लग गए, और इंडिया के जो फ़ोन्स उनके लिए भी अपडेट्स आने लग गए हैं, तो जो कि यार काफ़ी बढ़िया बात है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस डिवाइस में अपडेट मिला है आज और आपको कब तक मिल जाएगा अगर आपका डिवाइस में अभी तक अपडेट नहीं मिला है MIUI 12 का। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे पता चलता है कि यार वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो मैं और भी ज़्यादा इससे वीडियो रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। और ये चैनल पे नहीं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, हम 60,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, 60,000 जल्दी जल्दी करा दो, तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात करते हैं MIUI 12 के अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई इस अपडेट की। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है Redmi K20 के लिए। भाई देखो, ये मेरे पर Redmi K20 डिवाइस है, इसके अंदर ये अपडेट आया 12.0.5.0 का। अगर आपके पास ये अपडेट आया है तो जल्दी से अपडेट कर लो, काफ़ी बड़ी अपडेट है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई है, वो मैं आपको बता दूंगा कल इसकी फुल रिव्यू वीडियो में कि क्या क्या आया है। लेकिन देखो अभी क्या है कि मैं अभी यहाँ पर कस्टम रोम यूज़ कर रहा हूँ Xiaomi.eu रोम का, तो इसलिए भाई मेरे को अपडेट नहीं मिला, बाकी मैं तो अपडेट कर लूँगा। आपको मिल गया होगा, आप जाके चेकआउट करना, आपको मिल गया होगा, बाकी मैं वीडियो लाऊंगा इसका फुल रिव्यू वीडियो कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूसरे अपडेट की, जो कि है 12.0.2.0 का। ये अपडेट अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 19 तारीख है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 8 बजे के आसपास अपडेट आया था, देख सकते हो ये अपडेट आया भाई पोको X2 में। ये देख सकते हो पोको X2 यहाँ पर अपडेट, यहाँ पर पॉइंट्स हो रहा है, इसका मतलब अपडेट आया हुआ है, इसके अंदर ये अपडेट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 12.0.1.0 और यहाँ पर आप देख सकते हो 12.0.2.0 का अपडेट आया, जो कि 470 MB का। भाई अलग अलग MB के अपडेट मिल जाते हैं कुछ कुछ लोगों को, यहाँ पर जैसे तो ये भी 470 MB का अपडेट है, जो कि Redmi Poco X2 के लिए आया और Redmi K20 के लिए अपडेट यहाँ पर लॉट किया गया है। तो देखो भाई यहाँ पर Poco X2 के लिए 12.0.2.0 का अपडेट आया, मे बी इस अपडेट में भाई जो आपके बैन एप्लीकेशन थे उनको रिमूव किया गया होगा, और भाई कुछ चेंजेस होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा, जो कि Redmi K20 का मैं फुल रिव्यू बनाऊंगा, उसको आप जरूर से देख लेना अगर आपके पास Poco X2 है तो। और बाकी हम यहाँ पर बात करें, देखो Redmi K20 का ये अपडेट आया 12.0.5.0 का, जो कि सेकेंड अपडेट है। काफ़ी दिनों से पब्लिक बोल रही थी कि यार अपडेट कब आएगा, अब फाइनली आ चुका है। इसमें अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच दिया गया और यहाँ पर लिखा कंट्रोल सेंटर इज लैंड स्पेस मोड, मतलब कि ये भाई आपका कंट्रोल सेंटर होता है, इसमें यहाँ पर चेंज किया गया, ये लैंड स्पेस मोड में अब चला जाता है, तो वो तो मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या चेंज हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि हमारा रेडमी ये हो गया, रेडमी नोट 7 डिवाइस हो गया, इसके बारे में। तो देखो यार ये मेरा ग्रुप जो है भाई टेलीग्राम ग्रुप, भाई इसमें भी यार हर कोई बंदा यही करता रहता है कि अपडेट कब आएगा। तो भाई देखो हम भाई, मेरे को खुद नहीं पता रेडमी नोट 7 एस के साथ क्या हो रहा है, इसके अपडेट कब मिलेगा रेडमी नोट 7 एस का, क्योंकि भाई अभी भाई हाल ही में भाई 11.0.5.0 का अपडेट रोल आउट किया गया है, फुल रोल आउट की हुआ है, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद कि आपको अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी जिसके डिवाइस में भाई ये 12.0.5.0 का Redmi K20 और Poco X2 वाले जो यूज़र्स हैं वो इसको इंस्टॉल कर लो, क्योंकि भाई अपडेट आपको पता ही आता है और चला जाता है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो Redmi Note 7 Pro भाई, इसके अंदर भी सेकेंड अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है, चाइना में अपडेट जा चुका है इसका सेकेंड अपडेट, तो उसमें भी छोटे मोटे चेंजेस हुए, मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूं, बट इसके अंदर मैंने भाई TIP रिकवरी इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि चाइना का जो रोम है भाई वो TIP रिकवरी से ही इंस्टॉल होता है, बाकी फास्ट मोड से स्टोल होता है, बूटलोडर लॉक भी नहीं है इसका, नई समय से मैं बना नहीं पाया। बाकी यहाँ पर Redmi K20 और Poco X2 और यहाँ पर आपका Redmi Note 7 S के लिए बहुत ही जल्द अपडेट आएगा। अभी भाई हाल ही में मैंने आपको फिर दोबारा बता दूँ, हाल ही में भाई अभी 11.0.5.0 का अपडेट गया है, तो वो इतनी जल्दी अपडेट नहीं दे सकते क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी भाई ये अपडेट आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि उस अपडेट में भाई ये भाई सही तरह से देंगे ताकि आपको बग वगैरह देखने को ना मिले, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा भाई, वेट कर लो। Redmi Note 7 S के बारे में बता रहा हूँ, बाकी जब भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूँगा। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, इसी तरह वीडियो अच्छी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।